हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मैगनेर ब्रींस मैं हूं अनीशा आपकी अपने इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास इलेवंथ की जो आपकी वोविन वर्स बुक है जो आपकी इलेक्टिव बुक है उसकी पोम नंबर एट जिसका नाम है फॉर एल्काना अब एल्काना क्या है और ओ क्या है पूरा पोम का वो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी बट फर्स्ट लेट्स रीड अबाउट फ्यू लाइन्स अबाउट आर पोएट सो मिस्टर एजिकील जो है हमारी इस पोम के पोएट हैं एंड द पिक्चर विच यू कुड सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज पोएट इनका बर्थ ईयर 1924 में हुआ था और डेथ रिसेंटली अभी ईयर 2004 में हुई है ही वॉज बॉर्न इन मुंबई इनका बर्थ मुंबई में हुआ था ही इज टूडे बेस्ट नोन इंडियन पोएट टू हैव रिटन इन इंग्लिश और आज के जमाने में ये ए, ए, एक हिंदुस्तान के काफ़ी जाने पहचाने और बेस्ट पोएट के नाम से जाने जाते हैं जो हमेशा इंग्लिश में लिखते थे अपनी कविताएं ही हैड इज एजुकेशन एट विल्सन कॉलेज बॉम्बे एंड लेटर एट बेक कॉलेज लंडन तो पहले इन्होंने अपनी एजुकेशन अपनी पढ़ाई लिखाई बॉम्बे के विल्सन कॉलेज से करी और फिर बाद में इन्होंने लंडन के बर्बेक कॉलेज से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया अ प्रोफेसर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अमेरिकन लिटरेचर सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर यानी बड़े टीचर भी रह चुके हैं एजिकल पोम्स एंड सम प्लेज और इन्होंने कई सारी पोम्स यानी कविताएं लिखी हैं और प्ले लिखे हैं जो प्लेज होते हैं जो तो थिएटर वगैरह में होते हैं वो सब ही लेक्चर एट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द यू एस एंड द यू के और इसके अलावा इन्होंने बड़ी बड़ी कई सारी यूनिवर्सिटीज में अपने लेक्चर्स दिए हैं और कहाँ पर दिए हैं यू एस ए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने अपने लेक्चर्स दिए हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर पोएट और अब मैं आपको देती हूँ एक छोटी सी ओवरव्यू अबाउट आर पोम अब ये जो पोम है फॉर एल्काना अब एल् अब ये जो पोम है बेसिकली इसमें टिपिकल हिंदुस्तानी घर में इंडियन फैमिली में शाम के समय कैसा माहौल होता है कैसा वातावरण होता है एक फैमिली में एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में और उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन क्या बातचीत होती है वो लोग क्या करते हैं उसको बहुत प्यारी तरीके से इजी तरीके से हमारे पोइट ने इस पोम में समझाया हुआ है तो इस पोम में जब हम पढ़ते हैं तो एक छोटी सी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसमें एक मदर है एक फादर है और उनका एक छोटा सा सात साल का बेटा है एलकाना शायद इस छोटे से बच्चे का नाम है और अलकाना यानी बच्चे के खातिर फैमिली वाले या पेरेंट्स सब कुछ करते हैं ओके सो लेट्स रीड कि कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने इस पोम को एक टिपिकल इंडियन फैमिली को कैसे एक्सप्लेन किया है कि उनके बीच में कैसे बातचीत होती है सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोम द वार्म अप्रैल इवनिंग टेम्पट्स अस टू द ब्रीजेस साउंटरिंग अक्रॉस द लोन वी ड्रैग आवर चेयर्स डाउन द स्टोन स्टेप्स एंड प्लान सबसे पहले डिफिकल्ट मीनिंग देख लेते हैं Tempts का मतलब क्या होता है देख के आपकी और जब आपकी इच्छा होती है कि यार जल्दी से ये जाके कर लें या जल्दी से ये चीज़ जाके हम खा लें यानी कि आप उसके लिए अटेम्प्ट हो रहे हो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो सॉन्टरिंग का मतलब क्या होता है वॉक इन अ स्लो रिलैक्सड मैनर जब आप नंगे पैर खुली घास में धीरे धीरे रिलैक्स होकर वॉक करते हो इन्जॉय करते हो वेदर को और ठंडी ठंडी ग्रास को उसे हम कहते हैं सॉन्ट्रिंग स्टोन स्टेप्स क्या होते हैं इस तरीके से जो आपके गार्डन में से छोटे छोटे पत्थर के जो स्क्वायर शेप के स्टोन्स होते हैं उसे हम स्टोन स्टेप्स कहते हैं अब मीनिंग समझते हैं द वॉम अप्रैल इवनिंग अब अप्रैल वो महीना होता है जो जनवरी फेबररी मार्च विंटर सीजन ठंडे मौसम के बाद आते हैं तो यूजअली जो अप्रैल का मौसम महीना होता है वो ठंड के जस्ट बाद आया हुआ रहता है और उसकी जो evenings, जो अप्रैल के महीने की जो शाम रहती है वो काफी वॉर्म काफी गर्म रहती है तो ठंड के बाद लोगों को ये थोड़ा गर्म वेदर इन्जॉय करना अच्छा लगता है शाम के वक्त इवनिंग में टेम्स अस टू ब्रीज और जब शाम में ठंडी हवा चल रही होती है थोड़ी बहुत अप्रैल के महीने में तो लोग लो क्या बोलते हैं या हमारे पोएट के बोल रहे हैं कि ये जो ठंडी है, है, हमें करती है, करती है कि चलो बाहर जाके थोड़ी देर अपने घर के में, गार्डन में बैठ और और इस ब्रीज को करें, इस वेदर को, इस इवनिंग को को, को करें, करें. जो हमारा लॉन यानी जो हमारा घर का गार्डन है वहां पे हमको इस तरीके से वॉक करना कुर्सी लगा के बैठ जाना बहुत अच्छा लगता है रिलैक्स वे में वॉक करें हम वी ड्रैग आर चेस डाउन टू प्लांट देम देर तो कह रहे हैं कि हमारे घर के पास में इस तरीके से स्टोन स्टेप्स हैं, वहां हम अपनी चेयर्स यानी कुर्सियों को ड्रैग करके खिसका के खींच के लाके रख देते हैं और वहीं पे प्लांट कर देते हैं वहीं रख देते हैं चेयर्स को और बैठ जाते हैं वहीं चाय पीते हैं मौसम का मजा लेते हैं और शाम में एक छोटी सी मिडिल क्लास हिंदुस्तानी फैमिली बैठती है और इंजॉय करती है यहाँ पे अनइवनली टू सिट और राधा स्प्रॉल अब ये जो है इन्होंने खिसका के रख दी हैं वो कोई बहुत जमा के बड़ी प्यारी तरीके से नहीं रखी है ऐसी अनइनली कोई कुर्सियाँ कोई कुर्सियाँ आराम से बैठे ताकि उस कुर्सियों पे ये लोग बैठ पाए या फिर स्प्रॉल कर पाए स्प्रॉल क्या होता है टू तो सिट विद आर्म्स एंड लेग्स स्प्रेड आउट जब आप अपने हाथ और पैर बिल्कुल फैला के आराम से सो जाते हो रिलैक्स करते हो इन्जॉय करते हो मौसम का मजा लेते हो तो स्प्रॉल करना तो ये लोग अपनी कुर्सियाँ इस तरीके से जमा के अन इधर उधर जमा के रख देते हैं इन साइलेंस टिल दर्ड्स बिगिन टू कम और साइलेंस आराम से बैठ जाते हैं ताकि थोड़ा इंजॉय करें और तब तक चुप रहते हैं जब तक वर्ड्स बिगिन टू कम यानी जब तक सब लोग बातचीत करना या आपस में वार्तालाप करना स्टार्ट नहीं करते तब तक वो लोग आराम से बैठे रहते हैं अब पोएट कहते हैं माई वाइफ एज इज हर वे सर्वे इज द सीन कॉमेंट्स ऑन अ ब्रोकन विंडो पेन अब सर्वे करना क्या होता है लुक्स क्लोजली यहाँ मतलब लुक्स क्लोजली है ना बहुत ध्यान से देखना किसी चीज़ को एग्जामिन करना चेक करना बेसिकली तो ऑथर पोइट कहते हैं अब जो मेरी वाइफ है वो बिल्कुल ऑन आर ओन वे है ना इसको तो जो अच्छा लगता है वो वैसा ही करती है और टिपिकल इंडियन वाइफ्स की तरह टिपिकल हिंदुस्तानी बीवियों की तरह मेरी वाइफ क्या करती है पूरा सीन आके बैठे गार्डन में सब कुछ इधर उधर सर्वे कर रही है एग्जामिन कर रही है कि अच्छा अपना गार्डन बढ़िया है और फिर कमेंट करती है यानी किस चीज पर टोकती है बोलती है अपने हस्बैंड को और ना ब्रोकन विंडो पेन की भाई देखो खिड़की टूटी हुई है कितने टाइम हो गया आपने रिपेयर नहीं कराई कितने दिन से मैं बोल रही हूँ घर की मरम्मत कराओ तो टिपिकल तो इंडियन वाइफ जो होती है उसकी तरह पोएट की वाइफ भी बोलने लगती है कि विंडो टूटी हुई है इस तरीके से वो लोग भी अपना आके बैठते बातचीत करते हैं चाय पीते हैं सजेस्ट अ थिंग और टू दैट एवरी हस्बेंड इन द नेबरहुड नोज एग्जैक्टली हाउ टू डू नेबरहुड यानी कि पड़ोस में तो अब पोएट कहते हैं अब भाई मेरी बीवी तो इस तरीके से बोलना स्टार्ट हो गई कि टूटिए विडो भाई यहाँ घास ख़राब हो रही है यहाँ पे आप थोड़ी सी ईंटें सही करवाइए यहाँ कांच टूट गया इसको सही इस तरीके से टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह बोलने लग गई और अपने सजेशन्स देने लग गई अ थिंग और टू या एक दो मुझे सजेशन है ना सुझाव देने लग गई कि घर को ऐसा करा लेते हैं ऐसा करा लेते हैं और ऐसे बोल रही थी जैसे कि मतलब ये चीज़ तो मतलब पड़ोस के हर पति को हर हस्बैंड को पता है क्योंकि टिपिकल हिंदुस्तानी बीवियां जो होती हैं वो इस तरीके से ही बात करती हैं और हमारे पड़ोस में नेबर में जितने भी पति रहते होंगे शायद उन सबको ये सजेशंस पता हैं जो उसकी बीवी दे रही कि ये करा लो ये करा लो ये करा लो बट वो सुनते हैं कि हाँ हाँ ठीक है करा लेंगे करा लेंगे तो ऐसे नॉर्मल एक कॉन्वर्जेशन चलता है एक्सेप्ट ऑफकोर्स द मैन शी लव्स हु हैपन टू बी मी तो ऑथर बोलते हैं पोएट बोलते हैं पड़ोस के जितने भी पति लोग हैं उनको पता है ये चीज कि हाँ भाई हमारी बीवी हमको ये ये मरम्मत कराने के लिए बोलती है लेकिन उन्हें सिर्फ एक चीज नहीं पता कि जो मेरी बीवी है जो मेरी वाइफ है वो मुझे बहुत ज़्यादा लव करती है भले ही मुझसे कितनी नखरे दिखाती है भले ही मुझे कितनी चीज़ें बोलती है ये सही करा दो वो सही करा दो शॉपिंग करा दो कुछ भी करा दो लेकिन एक चीज़ जो उसके बाद जो किसी दूसरे पड़ोस के पतियों को नहीं पता जो सिर्फ मुझे पता है कि जो मेरी वाइफ है वो मुझे लव करती है और उसका मैं पति हूँ हैपन टू बी मी कि अपने पति को वो बहुत प्यार करती है और उसका पति कौन है उसका पति मैं हूँ तो हमारे पोएट्री लाइन्स कहते हैं अनविलिंग टू डिस्प्यूट द ऑब्वियस फैक्ट दैट शी इज ऑलवेज राइट तो अब हमारे पोएट कहते हैं कि अब मेरी बीवी कितनी बोलती जा रही है ये सही करा दो वो सही करा दो विंडो पेन जो है खिड़की का कांच टूटा हुआ है ये करा दो वो करा दो तो मैं उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट कोई बहस नहीं कर रहा हूं अनविलिंग टू डिस्प्यूट यानी उसके साथ लड़ाई झगड़ा बहस करना मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि ये तो ऑब्वियस फैक्ट है ये बात तो ऑब्वियस है ये तो सच्चाई ये फैक्ट है कि बीवी इज़ ऑलवेज राइट जिस आदमी ने ये चीज़ मान ली कि द वाइफ इज ऑलवेज राइट बीवी हमेशा सही है उससे बहस करके कोई फायदा आना जाना नहीं है और वो उनकी बात में एग्री कर लेते हैं और आर्ग्यूमेंट नहीं करते वो हस्बैंड शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ रहते हैं तो पोएट भी हमारे कुछ इसी तरीके के हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो कोई बहस वहस नहीं करी भाई फैक्ट इज़ कि हाँ हाँ सही करियूँ हाँ मैं सही करा दूंगा हाँ हाँ ये हाँ इसको भी मैं रिपेयर करा दूंगा तो इस तरीके से एग्री कर रहे हैं अपनी वाइफ से

मैंने अपनी आँखें खोली उन सारे व्यू की तरफ मैं व्यू देख रहा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ ठंडी हवा के मजे ले रहा हूँ वो मेरी पचर 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 मेरी बीवी बोले जा रही है उसको मैं ऐसा शो कर रहा हूँ हाँ तुम सही हो हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ लेकिन आई हैव सम शट हर आउट यानी मैंने उसको शट शटहर आउट कर दिया यानी कि हाँ मैं सुन रहा हूँ बहस नहीं करूँगा उसकी बात मैं हाँ में हाँ मिला दूंगा और वो जो बोल रही है मैं सुनता जाऊँगा कि हाँ 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 ठीक है एंड ऑन द अदर हैंड मैं पूरा मौसम वेदर और जो वहां का एनवायरमेंट है सराउंडिंग्स है उनको इंजॉय भी कर रहा हूँ पोएट तो ने बहुत सही डिसीजन लिया भाई हर वॉइस क्रॉल्स अप एंड डाउन द वॉयस अब हर कौन यानी वो बोलते हैं कि जो मेरी वाइफ की आवाज है पचर 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 की कि ये सही करा दो वो सही करा दो वो पूरी जो आवाज है क्रॉल्स अप एंड डाउन यानी इधर उधर पूरे गार्डन में पूरे लॉन में फैल गई थी क्योंकि वो कंटिन्यूसली बोले जा रही थी आर सन हु इज सेवन हेयर्स इट एंड रिमाइंड हिम ऑफ समथिंग अब इतनी आवाज सुन के अपनी मम्मी की कि ऐसा 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 इनका जो सात साल का जो बेटा है उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी और वो भगता हुआ इनके पास आया और जब क्यों आया क्योंकि उसको कुछ ना कुछ कोई चीज रिमाइंड हुई यानी उसको एकदम कोई चीज़ याद आ गई अपनी माँ की आवाज सुन के ही स्टैंड बिफोर अस हे स्मॉल लेग्स वर अ वो इनके सामने आके खड़ा हो गया छोटे छोटे पैरों के साथ सात साल का बच्चा आके खड़ा हो गया और उसके पैर ऐसे अपार्ट थे ना दोनों पैर इस तरीके से पैरों के बीच में गैप थी और दोनों ऐसे छोटे बच्चे ऐसे खेल के आके थक जाते और ऐसे ऐसे आके आके खड़े हो जाते ना पापा मम्मी के सामने ऐसे आ के उनका बेटा आके खड़ा हो गया उनके सामने सात साल का क्रीसेंट मून लाइक चिन अपलिफ्टेड हार्ड एंड कोल्ड टू स्पीक हे ट्रूथ इन मास्टरलीशन मम्मी आई वॉन्ट माई डिनर तो क्रीसेंट क्रेसेंट मून क्या होता है जो इस शेप का मून होता है ना इस तरीके से उसको हम कहते हैं क्रेसेंट मून तो पोएट कहते हैं कि हमारा बेटा आया और इस तरीके से क्योंकि वो छोटा था हम लोग ऐसे वहां पे बैठे थे तो ऐसे करके हमें देख रहा था और उसका जो गले का शेप था वो ऐसा हो गया था ऐसे क्रीसेंट मून जैसा अपलिफ्ट कर लिया था उसने और मुझसे और वहां पे आके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और बोलने की उसने कोशिश की कि पापा मम्मी बात कर रहे हैं और बीच में मैं जाऊं अपनी माँ को इंटरप्ट करूं जो ऑलरेडी अभी थी पचर पचर कर रही है और बिल्कुल मास्टर होके बिल्कुल बहुत डिटर्मिनेशन से यानी डिटर्मिनेशन यानी द क्वालिटी ऑफ शोइंग फर्मनेस एंड पावर बहुत फर्म बहुत दृढ़ता से और बिल्कुल पावर से जब बच्चा खेल के आके थकता है अपनी माँ से आके उसने क्या बोला मामी आई वॉन्ट माई डिनर नाउ कि माँ मुझे भूख लगी है मुझे अपना रात का जो डिनर है जो खाना है वो मुझे अभी चाहिए नाउ तो बच्चा आके उनसे ऐसा बहस करता है वाइफ एंड हसबेंड इन अनयूजल रेपोट स्टेट वन अनस्पोकन थॉट चिल्ड्रन मस्ट बी शी लुक्स एट मी आई लुक अवे अब का मीनिंग क्या होता है अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल हु अंडरस्टैंड ईच अदर वेल जब दो लोगों के बीच में टिपिकली हजब वाइफ के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है तो वो लोग एक दूसरे की बात बिना कहे भी समझ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल दो हस्बैंड वाइफ है और वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे कह रही है इसका मतलब क्या होता है कि चलो बहुत लेट हो गया चलो या हस्बैंड बोलते हैं आने की बहुत लेट हो रहा है भूख लग रही खाना तो बिना बोले सिर्फ उनके एक्शन और उनके आई कांटेक्ट से दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं क्योंकि दोनों में कई साल की शादी हो चुकी होती है और इतनी ट्यूनिंग अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है तो यहाँ पे अभी दोनों बातचीत कर रहे हैं और बेटा आता है सडनली बोलता है मुझे खाना चाहिए और अभी चाहिए तो अब जो ये वाइफ और हस्बैंड है इनके बीच में एक रेपोट है यानी एक अंडरस्टैंडिंग है स्टेट वन अनस्पोकन थॉट उन दोनों के माइंड में एक थॉट एक विचार आया लेकिन वो थॉट क्या था अनस्पोकन उन्होंने अपने मुंह से बोला नहीं लेकिन दोनों ने जो सोचा वो दोनों ने एक दूसरे की आंखों या आंखों में देख के अंडरस्टैंड कर लिया कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं और वो थॉट क्या था चिल्ड्रेन मस्ट बी डिसिप्लिन बच्चों को अनुशासित होना जरूरी है डिसिप्लिन होना जरूरी है कि इस तरीके से आ गया भगते दौड़ते खाते भूख लगी है इतनी तेज चिल्ला के बोल रहे हैं वाइफ ने भी वो चीज सोची और हस्बैंड ने भी सोची दोनों ने एक दूसरे को देख के यही थॉट शेयर किया बिना बोले क्योंकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को देखती है शी लुक्स एट मी मुझे देखती है कि देखो कितना अनडिसिप्लिन बच्चा है मतलब बोलो उसको कुछ कि ठीक से बोले अच्छे से बोले आई लुक अवे अ फादर है बेचारा छोटे से सात साल के बच्चे को क्या बोले समझ रहा है कि डिसिप्लिन होना जरूरी है वो पर फादर ने क्या किया ऐसे इधर उधर देखने लगे जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया लेकिन दोनों ने एक ही चीज सोची थी और मदर वॉज लाइक बोलो इसको कितना अनडिसिप्लिन हो रहा है लेकिन फादर ने इधर उधर देख लिया कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो बेचारे सात साल के बच्चे को चिल्लाना शायद नहीं चाहते अब फादर तो अपने ऐसे ही होते हैं भाई द सन इज वेटिंग इन अनदर ही विल रिपीट हिमसेल्फ पोएट कहते हैं अब मदर ने कोई रिप्लाई नहीं किया और जो बेटा है वो वेट कर रहा है कि कब मम्मी उठेगी और मुझे डिनर देगी और पोइट कहते हैं मुझे पता था कि अब वो इतना वेट कर रहा है और अगले ही सेकंड अनदर सेकंड अगले ही सेकंड वो अपनी बात फिर से रिपीट करेगा कि भाई मम्मी मुझे खाना दो और वही उसने किया वाइफ वैग्स अ फिंगर अब जब फिर से उसने चीज रिपीट करी जोर से चिल्ला के तो जो पोइट की वाइफ है वो अपनी फिंगर वैग करती है ऐसा करती है अपनी उंगली को फॉर्मली डिलीवर्स वर्ड इक्ट वेट वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है जजमेंट या अनाउंसमेंट तो वाइफ क्या बोलती है दोबारा जब उसने रिपीट किया तो बोलती है वेट उसने अपना अनाउंस करके बोला अपने बेटे को वेट वेट करो तुम इन फाइव मिनट्स आई सर्व यू डिनर पांच मिनट में मैं तुम्हें डिनर सर्व करूंगी अभी मैं कुछ बात कर रही हूँ पांच मिनट रुको वेट करो उसने अपने बेटे से बोला वाइफ ने नो से लिटिल वन नॉट इन फाइव मिनट्स नाउ आई एम हंग्री तो बेटा बोलता है नहीं छोटा बच्चा क्या बोलता है नहीं पाँच मिनट में नहीं ना यानी मुझे खाना अभी चाहिए आई एम हंग्री मैं अभी भूखा हूँ इट अकर्स टू मी द बॉय इज लाइक हिज फादर अब ये इस लाइन में बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि जिस दृढ़ता से जिस फॉर्मली जिस पावर से वो रात चला रहा था अपनी माँ पे तो फादर बोलते हैं मैं अपने बेटे को ऐसे देख रहा हूँ बोल रहा था बिल्कुल अपने बाप पे गए बिल्कुल अपने पापा पे गए मैं भी इतना ही पावरफुल था लेकिन अब तुम्हारी माँ के सामने शायद इतना नहीं बोल पा रहा हूँ तो फादर ऐसा सोचते कि ये बेटा तो बिल्कुल अपने बाप पे गया आई लव हिम एज आई लव माई सेल्फ वेट डार्लिंग वेट तो ये लाइन में क्या बोलती है और तो पोएट क्या बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने आप से प्यार करता हूँ हम अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में तो पोएट कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है जितना मैं खुद से प्यार करता हूँ उतना मैं अपने बच्चे से भी प्यार करता हूँ अब मदर प्यार से बोलती है मदर ने दो बार एक बार उसको इग्नोर कर दिया एक बार ऐसे करके बोल दिया रुको पांच मिनट अब मदर बड़ी यहां पे, बोलती है ये लाइन बड़े प्यार से क्या बोलती है वेट वेट डार्लिंग वेद, रुको वेद, रुको बेटा रुको दे रही खाना ऐसा बोली मदर मम्मी सेज वेट फॉर फाइव मिनट्स बट हंग्री नाउ डी लिटिल बास्टर्ड इन फाइव मिनट्स i won't be hungry anymore declaims का मतलब क्या होता है speak out loudली जब आप बहुत जोर से कोई चीज बोलते हो अब bastard यहाँ पे वर्ड दिया है bastard कोई अब्यूजिव वर्ड या कोई गाली नहीं है bastard यहाँ पे एक स्लैंग यूज किया है किसी छोटे बदमाश बच्चे के लिए तो कोई ये गाली नहीं है. Okay? ओके तो अब बेटा बोलता है मम्मी मम्मी सेज वेट फॉर 5 मिनट्स विल आई एम हंगरी नाउ तो बेटा अब अपने फादर से बोलता है कि मां बोल रही है कि 5 मिनट रुको लेकिन मैं भूखा तो अभी हूँ आई एम हंग्री नाउ और वो डिक्लेम करता है ये चीज जोर से चिल्ला के बोलता है और कहता है कि इन फाइव मिनट्स आई वी हंगरी एनी मोर कि माँ मुझसे कह रही है कि भाई रुको पांच मिनट बाद खाना दूंगी लेकिन मैं भूखा तो अभी हूँ जब आप मुझे पांच मिनट बाद खाना दोगी या माँ जब मुझे पांच मिनट के बाद खाना देगी तब मैं हंगरी नहीं हूँ तब मेरी भूख मर चुकी होगी तब मैं हं... मेरी खाने खाने की इच्छा जो है खाना खाने की इच्छा खत्म हो चुकी होगी तो भाई फादर बोलते हैं भाई उसको तो भूख अभी लगी है, खाना अभी चाहिए उसको भाई दिस आर्ग्यूमेंट अपील्स टू मी अभी जो आ, पोएट बोलते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है मां बेटे का वो मुझे अपील कर रहा था यानी सीम्स लाइक अ सीरियस एंड अर्जेंट रिक्वेस्ट तो पोएट कहते हैं कि जो माँ बेटे के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है छोटी सी प्यारी सी बहस चल रही है छोटे से खाने के बीच में ये मुझे अपील कर रहा था ये जो आर्ग्यूमेंट है बहस थी ये मुझे बहुत सॉलिड लग रही थी और कहीं ना कहीं मुझे सीरियस लग रही थी क्यों क्योंकि बच्चा बात तो सही बोल रहा है भाई खाना उसको अभी चाहिए क्योंकि भूख उसको अभी लगी है तुम तो बोल रही हो कि पाँच मिनट बाद दूंगी भाई वो कह रहा है पांच मिनट बाद मुझे भूख ही नहीं लगेगी मेरी भूख मर चुकी होगी अभी दे दो अभी लग रही है भूख तो मुझे तो काफी लॉजिकल बात लगी भाई बच्चे को खाना मिलना चाहिए सच अलॉजीशन डिजर्व इज दिन अर स्ट्रेट अवे माई वाइफ डिलइट फुल लाफ्ट होल्स थ्री टुगेदर वी राइज एंड गो टू द गो इन टू द हाउस अब वो अपने बेटे को जो पोएट है वो अपने बेटे को लॉजिशियन कह रहे हैं लॉजिशियन वो इंसान होता है जो हर डिसीजन या जो हर बात या अपनी हर स्टेटमेंट जो बोलता है बहुत लॉजिक से सोच समझ के एक सही बात बोलता है वो लॉजिशियन होता है तो पोएट अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं मेरा बेटा कितना लॉजिशियन है भाई कितनी लॉजिक की कितनी समझदारी की बात कर रहा है कि भाई सही बात है उसको अभी भूख लगी अभी अभी खाना दे दो पाँच मिनट बाद तुम बोल रही हो कि मैं खाना दूँ तो पाँच मिनट बाद तो उसकी भूख मर जाएगी तो ये बच्चा डिजर्व करता है कि इसको खाना स्ट्रेट अवे यानी अभी के अभी इसको मिल जाए और फिर बताते हैं पोएट कि मेरी वाइफ हंसने लगती है बच्चे की प्यारी बात सुन के अपनी डिलाइटफुल लाफ्टर निकालती है यानी बहुत ही लवली और हैप्पी तरीके से हंसने लगती है कि अरे अरे चलो कोई बात नहीं चलो उसने होल्ड्स थ्री ऑफ अस टुगेदर तो वाइफ ने अपने दोनों आर्म्स में अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और उनको कहाँ ले गई घर के अंदर ले गई कि चलो वो लोग उठे चेयर से और घर के अंदर गए ताकि वो लोग सब साथ में प्यार से बैठ के अपना डिनर खा पाए और माँ सबको डिनर लगाएगी और साथ में खाएगी भी सो ये जो पोम है ये बहुत ब्यूटीफुल सी पोम है इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स या कुछ नहीं है पोम बड़ी है लेंदी है लेकिन वर्ड्स काफ़ी ईजी हैं इसमें सिंपली बताया गया है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली शाम का समय व्यतीत करते हैं उनके बीच में कॉमन कॉन्वर्जेसन का टॉपिक या कम्युनिकेशन का टॉपिक क्या होता है और ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ये कम चीज़ों में भी खुश रहना जानती है इनको बहुत ज़्यादा की कोई चाहत कोई उम्मीद नहीं है जो मिला उसमें लोग सैटिस्फाइड हैं संतुष्ट हैं और खुश हैं अपनी लाइफ में हैप्पी हैं समवेयर सो so, यह हमारे पोएट ने घरेलू मामले को बड़ी प्यार से जो है हाँ इस पोम के थ्रू डिस्क्राइब किया है फॉर एल्काना इज अ पोम रिटन बाय द फेमस इंडियन राइटर निसिम एजिकील तो ये जो पोम है जिसका नाम है फॉर एलकाना ये बहुत ही हिंदुस्तान के काफ़ी फेमस राइटर लेखक या जो पोएट हैं उन्होंने लिखी है जिसका नाम है निसीम एजिकील द पोएट हेज़ पिक्चराइज द लाइव ऑफ़ द काम पीपल ऑफ़ इंडिया इन द पोम तो पोम बहुत ईजी है बहुत सिंपल है इसमें जो हमारे पोएट हैं उन्होंने क्या पिक्चराइज़ किया है हम रीडर्स के लिए कि एक इंडियन जो लोग होते हैं जो कॉमन पीपल होते हैं हिंदुस्तान के उनकी लाइव उनकी ज़िंदियाँ कैसे होती हैं यानि कि एक छोटी सी फैमिली जो टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास हिंदुस्तानी जो फैमिली होती है उनकी लाइफ कैसे होती है हर दिन और हर शाम उनकी कैसे होती है और कैसे वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं उनकी किस तरीके की चर्चाएं है होती हैं कॉन्वर्जेस होती हैं वो सब उन्होंने इस पोम में एक्सप्लेन किया है ही हैज़ अड्रेस्ड रियलिस्टिक एलिमेंट्स टू शो हाउ एन इवनिंग लुक्स लाइक इन द लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली तो इन्होंने कई एक दो एग्जाम्पल्स दिए हैं और इनफैक्ट रियलिस्टिक एलिमेंट्स यानी जो रियलिटी में यूजुअली हिंदुस्तानी घरों में जो बातचीत होती है वो एलिमेंट्स उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए ताकि हमें वो ये दिखा पाए कि कैसे एक इवनिंग एक शाम होती है एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की और उनकी लाइफ वो लोग कैसे स्पेंड करते हैं द फैमिली कन्जिस्ट ऑफ थ्री पीपल तो अब उन्होंने क्या बताया हमें कि एक फैमिली है और उसमें तीन लोग हैं अ अस्जबैंड अ वाइफ एंड देयर सन तो एक बेटा और उनके उसके मम्मी पापा वाइफ हस्बैंड हैं The wife complains to her husband about not repairing a window pane that has been broken for a long time. तो अब शाम का समय है हस्बैंड वाइफ आराम से अपने गार्डन में चेयर पे बैठे हुए हैं और वाइफ टिपिकल हिंदुस्तानी इंडियन वाइफ की तरह अपने हस्बैंड से कंप्लेन करती है वहाँ बैठ के कि देखो ये खिड़की जो है विंडो पेन टूटी हुई है कितने टाइम से मैं बोल रही हूँ रिपेयर कराओ रिपेयर नहीं कराते ये सब इस तरीके की वो आर्ग्यूमेंट्स अपने हस्बैंड से कर रही है द हस्बैंड वो उसकी पूरी बातें सुन रहे हैं और टिपिकल हिंदुस्तानी पति की तरह अपनी बीवी से आर्ग्यूमेंट यानी कोई बहसबाजी नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये सब करूंगा तो क्या होगा एक लड़ाई एक लड़ाई कन्वर्ट हो जाएगी हम दोनों के बीच में तो इट्स बेटर कि अरे भैया वाइफ इज ऑलवेज राइट हमारी बीवी महाशय जो है वो हमेशा सही है बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ और हाँ 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 भी करता जा रहा था और साथ ही साथ जो प्योरा ब्यूटिफुल एन्वायरमेंट है ठंडी ब्रीज की हवा है अप्रिल मंथ की जो इवनिंग्स हैं वो वो इंजॉय कर रहा था और उसके साथ साथ वाइफ की बातें भी ऐसे कर रहा था कि हाँ 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 हा, मैं सुन रहा हूँ एज एफ उसको गुस्सा भी ना आए और उससे कोई आर्ग्यूमेंट या बहसबाजी भी ना हो he agrees with her and says that she is always right. तो वो अपनी वाइफ जो भी बातें बोल रही है कंप्लेन कर रही है ये टूटा हुआ है मैं कह रही थी घर की मरम्मत कराओ रिपेयरिंग कराओ ये कराओ वो कराओ उनकी सब बात में वो अग्री करता है और कहता है भैया she is always right. बीवी हमारी हमेशा सही है जो कि हर टिपिकल हिंदुस्तानी मिडिल क्लास हजबेंड करते ही हैं बोथ पेरेंट्स पैम्पर द चाइल्ड जो दोनों पेरेंट्स हैं मम्मी पापा अपने बच्चे को अपने सन को जो कि सेवन ईयर्स का है उसको बहुत पैम्पर करते हैं प्यार करते हैं He is an attention seeker and all his wants are taken care by taken care of by both parents. वो एक बच्चा जो है attention seeker उसको attention चाहिए यानी कि मेरे पे ध्यान दो मेरे से बात करो अगर मैं अभी खाना मांग रहा हूँ तो मुझे अभी ही खाना दो मुझे पाँच मिनट बाद मत दो तो बच्चे की बात दोनों पेरेंट्स मानते हैं और उसकी बहुत केयर भी करते हैं उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं द पोम एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट जब पोम एंड होती है आखिरी में तो एक बहुत ही पॉजिटिव प्यारे से नोट पे ख़त्म होती है द हजबेंड इज ग्रेटफुल फॉर हैविंग हर एज इज वाइफ बिकॉज शी लवज इम डिस्पाइट ऑल इज फ्लॉज तो जो हस्बैंड है बेसिकली जो पोएट है वो हमें बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को बहुत लव करता हूँ और मेरी वाइफ भी मुझे लव करती है डिस्पाइट ऑल माई फ्लॉज मेरे अंदर जो भी कमियाँ खामियाँ सब जानते हुए वो फिर भी मुझे लव करती है तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं और हमारे बीच में एक बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है डज मैटर कितना ही लड़े कितना ही हम लोग आर्ग्यूमेंट करें ऑन द अदर हैंड द वाइफ फाइंड जॉय इन हैविंग कॉन्वर्जेशन विद हर हस्बेंड और दूसरी तरफ जो वाइफ है उसको भी खुशी मिल रही है अपने पति से कॉन्वर्जेशन करके बातचीत करके डिस्कशंस करके द फैमिली इज नॉट रिच बट दे नो हाउ टू बी हैप्पी जो छोटी सी फैमिली है तीन लोगों की वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है बट उनको पता है कि खुश कैसे रहना है जितना है उसमें खुश रहने की उनको आदत है द पोम ब्रिंग्स आउट द सिंपलिसिटी एंड प्रीवेल्स इन फैमिलीज द डू नॉट ओन मच बट दैट इज इनफ टू लीड अ पीसफुल लाइफ तो जो ये पोम है वो क्या हमें दर्शाती है कि एक छोटी सी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली कैसे सिंप्लिसिटी से साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दे डू नॉट ओन मच ज़्यादा कमाते नहीं हैं वो लोग ज़्यादा रिच नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास इतना इनफ इतना तो काफ़ी है कि वो अपनी एक सुख भरी पीसफुल लाइफ जी सकते हैं जिस शांति से अपनी लाइफ उनके निकले प्यार भरी फैमिली वो लोग जी सकते हैं जो साथ बैठ के खाना खाते हैं सुबह साथ बैठते हैं शाम की इवनिंग इन्जॉय करते हैं और इंसान को इस दुनिया में चाहिए ही क्या बाक़ी शौक़ पूरे कर करके कर कर के आखिर इंसान घर पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता है तो यही एक टिपिकल इंडियन हिंदुस्तानी फैमिली भी होती है जिसको बहुत प्यारी तरीके से हमारे पोएट ने आपके सामने डिस्क्राइब किया है एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ आर क्वेश्चन एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन कमेंट ऑन द सटल टी विथ विच द पोएट कैप्चर्स द जनरल पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ फैमिली सबसे पहले जो वर्ड है सेटल इसका मीनिंग समझते हैं इसका मतलब है डेलीकेटली बहुत ध्यान से बहुत आराम से तो हमें कमेंट करना है यानी हमें बताना है कि कितनी डेलीकेटली हमारे पोएट ने जो जनरल पैटर्न था कम्युनिकेशन का अपनी फैमिली के साथ यानी पोइट ने किस तरीके से वाइफ को हैंडल करा बच्चा जो कि अभी खाना मांग रहा था पाँच मिनट बाद नहीं चाहिए था बहुत ज़्यादा वो भी गुस्सेल हो रहा था एंग्री हो रहा था बच्चा तो अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड को इतना अपनी वाइफ को अपने बेटे को अपने सन को जो भी उन्होंने कम्युनिकेशन किया जो भी उन्होंने उससे उन लोगों से बातचीत करी वो कितनी डेलीकेटली आराम से उन्होंने करी ये हमको बताना है सो द पोएट हैज़ कैप्चर्ड द डेली कॉन्वर्जेशन दैट टेक्स अमंग द फैमिली तो पोइट ने बहुत अच्छे से हमें बताया है वो डेली का रोजमर्रा की जो बातचीत जो एक फैमिली में होती है ही वेरी ब्रिलियंटली टेल्स आव कॉन्वर्जेस इन इंडियन फैमिली स्टोक और उसने उन्हें बहुत ब्रिलियंटली हमें बताया कि हिंदुस्तानी फैमिलीज़ में किस तरीके की कॉन्वर्जेस बातचीत चलती है टू मेक रीडर्स मोर कनेक्टेड इंप्लॉयज़ ऑफ योर रियल लाइफ इंसिडेंट्स और हम रीडर्स को अच्छे से और कनेक्टेड करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स अपनी पोम में शेयर करें जैसे वाइफ कंटिन्यूअसली बोली जा रही थी बोली जा रही थी उन्होंने उससे आर्ग्यूमेंट करना प्रेफर नहीं किया उन्होंने इन्जॉय किया वेदर और हाँ 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 किया क्योंकि वाइफ इज़ ऑलवेज राइट बेटा ऑन अदर हैंड जो कि बहस कर रहा था कि मुझे खाना भी चाहिए अभी चाहिए उसने बोला चलो कोई बात नहीं इसको अभी अभी भूख लगी दे दो वो बोल रहा है पांच मिनट बाद खाना दोगे तो पांच मिनट बाद तो मुझे भूख नहीं लगेगी तो क्या मतलब तुम तो उसको मिनट बाद खाना दोगी तो अभी दे दो और फिर प्यार से वो तीनों अंदर घर में जाते हैं और अपना डिनर साथ में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोएटिक इफेक्ट इज अचीव्ड इन द पोम थ्रू अंडरस्टेटमेंट एंड असाइड्स डिस्कस दिस विद एग्जांपल्स। अब ये जो पूरी आप पोम पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल पोम है बहुत ही आपको पोम जैसी नहीं लगेगी आपको ऐसा लगेगा कि एक कॉन्वर्जेशन एक बातचीत दो तीन लोगों के बीच में जो होती है वो हम पढ़ रहे हैं लेकिन पोम है तो पोइटिक इफेक्ट तो चाहिए ना तो जो इफेक्ट है पोइटिक इफेक्ट है इस पोम का उसको अंडर स्टेटमेंट और असाइड्स कर दिया है यानी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और साइड में एक तरफा कर दिया है उसको तो आपको ये बताना है कि कैसे किया है ये वो आपको एग्जाम्पल देने दी आंसर इज पोएट्स मेन कंसर्न इज नॉट द फैमिल बट द एन्मेंट अराउट दैम अब जो हमारे पोएट थे उनका मेन कंसर्न उसकी फैमिली या उनकी भैंसबाजी सुनने में नहीं था उनको तो आसपास जो इन्वायरमेंट था प्यारा सा वेदर था वो एन्जॉय करने में उनको इंटरेस्ट था फॉर एग्जाम्पल द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्रोकन विंडो पेन्स इट मे बी यूजलेस इन द रियल वर्ल्ड बट इन दोम इट होल्ड अ लॉड ऑफ इम्पोर्टेंस अब जैसे पोम में पोएट जो वो है वो टूटी हुई विंडो पेन्स यानी खिड़कियों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में उनकी वाइफ उनसे बहस करती है अगर आप रियल लाइफ में देखो रियल वर्ल्ड में देखो तो काफ़ी बेतुकी सी बात है बेतुकी सा मतलब इस बात पे बहस करने का को कोई रीज़न नहीं है लेकिन पोम में इस बात ने बहुत इम्पोर्टेंस यानी बहुत इम्पोर्टेंस पकड़ी हुई है क्योंकि बहस उस बात पर ही हो रही है दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच में तो हस्बैंड ने बहस न करना प्रेफर किया और बोला ठीक है तुम सही हो एंड देख लेंगे जो भी होगा दी अदर आस्पेक्ट इज दैट दसबैंड क्लेम्स द मैन शी लव्स हु हैपन्स टू मी फिर दूसरी चीज दूसरा क्या बात क्लेम कर रहे हैं हसबैंड यानी पोएट ये दावा करते हैं कि ये लाइन उन्होंने यूज करी द मैन शी लव्स हु हैपन्स टू मी मी बोला कि जिस आदमी को मेरी वाइफ प्यार करती है वो मैं हूँ क्योंकि मैं उसका हसबैंड हूँ और ये बात मुझे पता है भले ही वो मुझसे कितना ही आर्ग्यूमेंट कर ले बट शी लव्स मी एंड आई लव माई वाइफ ऑल्दो ही पे जीरो अटेंशन टू वॉट His lady is saying, but inside he लेकिन अंदर से उनको ये बात बहुत अच्छे से बताया कि जितनी ही मुझसे बहस कर रही है वो मुझे लव करती है और इस चीज से उनको बहुत खुशी मिलती है ही फील्स रियली हैप्पी अबाउट इट ने हाउ इज द विद द pedestrian इन द पोम अब क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है पहले वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं फिर मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगी। वर्ड आया है इडिलिक। इडिलिक का मतलब क्या okay? मतलब होता है जो काफ़ी चीज़ें आइडियल होती हैं यानी परफेक्ट होती हैं ओके पोस्ट का मतलब क्या होता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जब जब दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो उनमें कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो कि अच्छा ये ऐसा तो ये ऐसा उसे हम जक्स्टा पोस्ट कहते हैं पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या होता है डल या फिर लैकिंग एक्साइटमेंट कोई ऐसी चीज़ जो बहुत डल है बोरिंग है कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसे हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं अब ये जो हमारी पोम है ये काफ़ी पेडिस्ट्रियन है यानी काफ़ी जब आप रीड करोगे तो आपको डल बोरिंग लगेगी बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग पोम नहीं है तो हमारे पोएट ने इस पोम को कैसे आइडियल या कैसे परफेक्ट बनाया है अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करके कंट्रास्ट करके ताकि हम रीडर्स इंटरेस्टेड रहें और इंगेज रहें पूरी पोम को पढ़ने में पोम सिंपल है लेकिन हम सबके लिए पोएट ने इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया है ये हमको बताना है क्वेश्चन में आंसर में ठीक द पोएट अबैंडन्स द रोमांस बट इंस्टेड लुक फॉर थीम्स फ्रॉम डेली लाइफ अब इस पूरी पोम में जो पोएट है उन्होंने हस्बैंड वाइफ के बीच का रोमांस प्यार भरी बातों को अबैंडन कर दिया इन्हें बिल्कुल साइड रख दिया है क्या उन्होंने दर्शाया है थीम्स फ्रॉम डेली लाइफ की एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में डेली लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं क्या नॉर्मल बातें होती हैं उस थीम को उन्होंने पकड़ के रखा है इन दिस पोम डेली लाइफ सिचुएशन आर टेकन इन टू कंसनट्रेशन तो डेली लाइफ जो सिचुएशन हर मिडिल क्लास परिवार में आती है उस चीज को ध्यान में मद्देनजर रखते पोम लिखी गई है द पोएट सेज पीपल कैन कनेक्ट विथ ऑर्डिनरी थिंग्स पोएट की कहते हैं और उनका ये मानना है कि जो हम लोग हैं और जो हम रीडर्स हैं वो हम तब कनेक्टेड रहेंगे किसी पोम से जब कोई ऑर्डनरी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी यानी जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वही अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट आएगा द डल फीलिंग इज़ ब्रॉड बाई डिस्कसिंग रैंडम थिंग्स अभी जो डल फीलिंग है इसको कैसे पोएट ने बैलेंस किया है पूरी पोम में अलग अलग चीज़ें रैंडम थिंग्स डिस्कस करके कि बेटा आया रोने लगा फिर उसको खाना चाहिए था अरे वो तो ऐसे कर रहा था तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने हमको इंगेज करके रखा यानी कनेक्टेड रखा पूरी पोम में रैंडम थिंग्स डिस्कस करके नेक्स्ट एक्सप्लेन द अंडर इन द स्टेटमेंट अब पोम में एक स्टेटमेंट आया है वाइफ एंड हजबेंड इन अनयूजल रेपोट स्टेट वन अनस्पोकन थाट ये जो लाइन्स हैं दोनों लाइन्स हैं ये पोम में लाइन्स यूज करी गई हैं हमको एक्सप्लेन uh, करना है ये स्टेटमेंट और जो अंडर टोन यूज़ हुआ है पूरी पोम में यानी इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया यानी बंद बात में पूरी बात कह दी पोएट ने कम लफ्जों में वो इस लाइन के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है तो रेपोट का मीनिंग क्या होता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं या जो हस्बैंड वाइफ होते हैं जब बहुत साल एक दूसरे के साथ रह लेते हैं तो उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उनकी आपस में तो जब उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि वो लोग बिना बोले अन कहे शब्द भी एक दूसरे के आंखों के इशारों से या चुप रहने से साइलेंस में भी समझ जाते हैं तो यहाँ उसी रेपोर्ट की वाइफ हस्बैंड के बीच में बात करी गई है सो द आंसर इज इन दो का मीनिंग बताना है कि इट अंडरस्टैंडिंग अनस्पोकन वर्ड्स ये जो लाइन है ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है कि वो वाइफ हस्बैंड अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे के अनस्पोकन वर्ड्स यानी बच्चा जब आके जिद कर रहा है खाने की चिल्ला के बोल रहा है तो वाइफ हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं खाली एक दूसरे को ऐसे देखा उसने हस्बैंड ने सोचा द चिल्ड्रन शुड बी डिसिप्लिन कि बच्चों में डिसिप्लिन होना जरूरी है वाइफ ने भी ये सोचा कि बच्चों में होना डिसिप्लिन ज़रूरी है लेकिन बोला नहीं लेकिन दोनों में रेपोर्ट वो अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों ने अपने अनकहे शब्द भी समझ लिए तो अनस्पोकन वर्ड्स वो समझ गए एक दूसरे के दे बिलीव दैट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेरेंट्स इन एवरी वे केयर फॉर दर चिल्ड्रेन तो पेरेंट्स को ये लगता है कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि पेरेंट्स हर तरीके से अपने बच्चे की केयर के और देखभाल करना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि अपने बच्चे डिसिप्लिन uh, भी रहें इट इज क्लियरली विजिबल वन बींग इन द मिडिल द होल थॉट ऑफ द चाइल्ड बिकमिंग इन डिसिप्लिन मेक्स जेम स्टॉप द आर्ग्यूमेंट एंड बोथ स्टॉप द आर्ग्यूमेंट तो क्योंकि दोनों ऑलरेडी पहले से वाइफ हस्बैंड बहस कर रहे थे टूटी हुई विंडो पेन के पीछे आई मीन हस्बैंड चुप था और वाइफ बहस कर रही थी और उस बीच में बच्चा आ जाता है कहता है खाना दो खाना दो फिर ये डिसिप्लिन वाला थाट उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ वाइफ हस्बैंड के बीच में तो उससे ये पता चलता है कि जैसे ही वाइफ हस्बैंड बहस कर रहे हैं कुछ भी कर उन दोनों ने देखा कि बच्चा है। और उसको डिसिप्लिन कैन रीड इच अदर्स माइंड और अपना आर्ग्यूमेंट स्टॉप करने के बाद भी दोनों वाइफ हसबेंड एक दूसरे का माइंड बिना बोले पढ़ पा रहे थे तो यही रेपोट था दोनों के बीच नेक्स्ट कमेंट ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द लाइन चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन अब ये जो लाइन है ये आपकी पोम में लाइन यूज़ करी गई है कि चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन बच्चों को अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है तो इस पूरी लाइन के जो वर्ड्स हैं सी कैपिटल है एम कैपिटल है, है यहाँ पे ये डी कैपिटल है ये वर्ड्स का कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल वर्ड्स क्यों यूज हुए हैं इस पोम में उससे हमें बताना है यानी इस लाइन में क्यों यूज़ हुए हैं वो बताना है द लाइन

दोनों वाइफ हस्बैंड जो भी बात कर रहे थे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे उस बीच में बच्चा आके जब चिल्ला के बोलता है कि हमें मुझे खाना चाहिए इस बीच में पेरेंट्स के माइंड में ये बात आई कि बच्चे डिसिप्लिन होना ज़रूरी है तो ये जो बात है किसी ने कही नहीं बट दोनों पेरेंट्स के माइंड में आई और इम्पॉर्टेंट है इसीलिए डिसिप्लिन में रखिए इस वजह से दोनों पेरेंट्स ने अपना आर्ग्यूमेंट अपनी बहस को हॉल्ट किया थोड़ी देर के लिए यानी स्टॉप किया क्यों क्योंकि बच्चे का डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओके इसीलिए कैपिटल में लिखी है ये लाइन्स नेक्स्ट वॉट मेक्स द अर्जेंसी ऑफ द चाइल्ड डिमांड सीम लॉजिकल अब जो चाइल्ड था वो बच्चा था उसकी डिमांड ये थी कि मुझे खाना अभी दो मदर कह रही थी रुको पाँच मिनट अभी हम दोनों बात कर रहे हैं तो वो कहता है नहीं मुझे अभी आई वॉन्ट माई डिनर नाउ क्योंकि पांच मिनट बाद जब आप मुझे खाना दोगी तो मुझे भूख तब नहीं लगी होगी तब तक मेरी भूख मर चुकी होगी मुझे अभी खाना दो इट्स अर्जेंट मुझे अभी खाना दो क्योंकि अभी भूख लगी है तो ये जो बच्चे की अर्जेंट डिमांड है कि मुझे अभी खाना दो ये फादर को या मदर को लॉजिकल क्यों लगी दिमाग वाली बात क्यों लगी सो बी विलवड इन टाइम द बॉय रिफ्यूजेज टू वेट जब बच्चे को उसकी माँ ने बोला कि डिनर पांच सात मिनट में दे रही हूँ वेट करो तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं वेट नहीं करूंगा ही ऑल्सो गिव्स द लॉजिक ऑफ नॉट बींग हंग्री आफ्टर फाइव मिनट्स और उसने ये लॉजिकल ये दिमाग वाला सोच समझ के आंसर दिया कि आप मुझे बोल रही हो कि मिनट बाद खाना दूंगी लेकिन मिनट बाद मैं नहीं हूँ तब तक मेरी भूख मर चुकी होगी इस उसकी इस बात से फादर को ये रियलाइज होता है कि अब मेरा बच्चा समझदार हो गया उसको तर्क देना सोच समझ के यानी कोई लॉजिकल आंसर की लॉजिक यूज करके यानी हर चीज की दो पहलू समझ के लॉजिक समझ के मेरे बच्चे को एक डिसीजन लेना या एक स्टेटमेंट देना आ रहा है और वो चीज मेरा बेटा बोलना या बताना सीख रहा है इस ट्राइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स सो इसीलिए फादर को लॉजिकल लगा अपने बेटे की बात ओके फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हु इज द पोएट ऑफ द पोअम फॉर अल्काना तो ये जो हमारी पोअम है जिसका नाम है फॉर अल्काना इसके पोएट यानी कि कवि कौन है आपके सामने फोर ऑप्शन गिवन है आपको जो सबसे सही ऑप्शन लगता है जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको करना है एक टिक मार्क ओके तो ऑप्शन नंबर ए जॉन कीट्स ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू एच ऑप्शन नंबर सी निसिम एजिकील या ऑप्शन नंबर डी टेड ह्यूजेस अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे हैं या एक बार भी आपने अपनी बुक खोली होगी तो आप विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे एंड ऑप्शन नंबर सी निजम एजिकेल इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द थीम ऑफ द पोम ये जो आपकी पोम है फॉर फॉरअलकाना इसकी थीम क्या है थीम बोले तो ये पूरी पोम एक्चुअली है किस बारे में तो मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं ये जो पूरी पोम है ये बेसिकली एक टिपिकल इंडियन हिंदुस्तानी मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है कि कैसे शाम के वक्त एक टिपिकल मिडिल हिंदुस्तानी जो फैमिली होती है इंडियन फैमिली होती है वो गार्डन में बैठते हैं अपने घर के चाय पीते हैं मौसम को इन्जॉय करते हैं और क्या बातचीत करते हैं कॉमन बेसिक हर घर में जो लाइफ आ, लाइफ लोगों की होती है टिपिकल इंडियन फैमिली में वो हमारी

एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या कॉमन इश्यूज प्रॉब्लम्स या फिर बातचीत होती रहती है क्या ये बताया गया है यस yes, डेफिनेटली ये भी बताया गया है कि कॉमन इश्यूज क्या होते हैं कि एक हिंदुस्तानी घर में अगर कोई गार्डन में बैठा है अरे ये दरवाज़ा टूट रहा है ठीक कराना है थोड़ी घर की मरम्मत करानी है ये कॉमन इश्यूज हर घर में जो होते हैं तो यस yes, वो भी इस चैप्टर में इस फोम में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है ये yes, सही है which means option number D is the right option to this question. Next, what month of the year is reflected in the poem? A poem में poem के शुरुआत में ही साल का एक month, एक महीना reflect करा गया है यानी बताया गया है तो वो महीना कौन सा है तो यहाँ पर basically पहले options देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताती हूँ options हैं A January, B December, सी अप्रैल या डी जुलाई अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी अप्रैल का महीना स्टार्टिंग में बताया गया है क्यों बताया गया क्योंकि यूजुअली जनवरी फेबररी और मार्च ये थ्री मंथ्स विंटर सीजन के मंथ्स होते हैं और उसके बाद अप्रैल का जब महीना आता है तो जो अप्रैल के महीने में जो शाम को इवनिंग्स होती हैं शाम का समय होता है वो काफ़ी वार्म होता है तो लोग इंजॉय करते हैं इतने ठंड के बाद थोड़ी हल्की फुल्की गरमाहट वाले मौसम को एंजॉय करते हैं और घर के बाहर अपने गार्डन में बैठ जाते हैं बातचीत करते हैं एग्जैक्टली exactly जो कि इस पोम में हुआ है तो जो मंथ यहाँ रिफ्लेक्ट है बताया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी अप्रैल नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी द फैमिली इस पोम में एक फैमिली इंडियन हिंदुस्तानी जो फैमिली होती है काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली है जो कि संतुष्ट है हर चीज़ में खुश है उसके बारे में यहाँ बताए गए तो जो फैमिली बताई गई है उसमें कितने मेंबर्स हैं कितने लोग बताए गए हैं कि इस परिवार में इतने व्यक्ति या इतने लोग हैं तो ऑप्शन हैं ए टू दो लोग बताए गए हैं बी थ्री सी फाइव या डी फोर कितने लोग बताए गए हैं तो पोम में कौन कौन है एक मदर बताई गई है एक फादर बताए हैं और एक उनका छोटा सा सात साल का सन यानी बेटा बताया गया इसके अलावा तो कोई और कैरेक्टर नहीं दिखाया पोम में विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी थ्री मेंबर्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन जिसमें फादर मदर और उनका बेटा है सेवन ईयर्स का नेक्स्ट वॉट डज द वाइफ कॉमेंट अबाउट अब शाम का समय है हर कॉमन इंडियन फैमिली की तरह पोम में बताई गई फैमिली भी अपने घर के लॉन में गार्डन में आराम से बैठे हैं चाय पी रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ बैठे हैं और बच्चा खेल रहा है तो वाइफ सबसे पहले बात करना स्टार्ट करती है और जैसे ही वाइफ बात करना स्टार्ट करती है अपने हस्बैंड से वहाँ गार्डन में तो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में कमेंट करती है यानी किस चीज़ के बारे में टोका टाकी करना वो स्टार्ट करती है टिपिकल हर इंडियन बीवी की तरह तो ये वाइफ भी किस चीज पे कमेंट करती है ऑप्शंस देखते हैं ए अ ब्रोकन विंडो पेन शायद उनके गार्डन के आसपास उन्होंने घर में देखा कि एक टूटी हुई विंडो पेन यानी खिड़की टूटी हुई है तो वो उस पर कमेंट करती है अरे प्लीज उसको सुधरवाओ आप कितने टाइम से बोल रही हूँ मैं आप कर ही नहीं रहे हो तो ये वो इस ब्रोकन विंडो पेन पर पे डेफिनेटली कमेंट करती है वाइफ फिर भी और ऑप्शन देखते हैं अब ब्रोकन वुडन डोर क्या एक टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे पे कमेंट करती है वो कि इसको सुधरवाओ इसको रिपेयर करवाओ नहीं वो टूटी हुई विंडो पेन पे कमेंट करती है अपने हस्बैंड को कि इसको रिपेयर कराओ अब ब्रोकन चेयर क्या वो टूटी हुई कुर्सी पे कमेंट करती है नहीं अब ब्रोकन टेबल क्या वो टूटे हुए टेबल पे कमेंट करती है नहीं क्लियरली वो बताते हैं कि एक ब्रोकन विंडो पेन पे उसकी वाइफ कमेंट करती है विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज अ चाइल्ड आस्क फॉर अब ये मदर एंड फादर जो है वहाँ बैठे हुए हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और सडनली इनका सात साल का जो सन है जो बेटा है जो ये बच्चा है वो आ जाता है जैसे बच्चे खेल कर एकदम आते नहीं हैं तो ये बच्चा किस चीज़ की मांग करता है अपने पेरेंट्स से सो ऑप्शन हैं ए एक्सपेंसिव टॉयज़ वो अभी भी खेल के आया है फिर वो एकदम महंगे खिलौने क्यों मांगेगा नहीं तो ऐसा कोई एक्सपेंसिव महंगे टॉयज उस बच्चे ने नहीं डिमांड किए एक्सपेंसिव ट्रिप क्या वो अपने पेरेंट्स से ये डिमांड कर रहा है कि मुझे एक बहुत महंगे ट्रिप पर घूमने फिरने टूर पे ले जाओ नहीं एक सात साल के बच्चे को क्या ट्रिप और टूर पता होगा भाई यस हिज डिनर यस यानी उसके रात का खाना क्योंकि मम्मी पापा शाम में काफ़ी देर से वहाँ बैठे हुए हैं बच्चा काफ़ी देर से खेल रहा है वहाँ पर और अब थक के वो आया और जैसे ही बच्चे खेल के आते हैं उनको क्या लगती है भूख दे फील लॉट ऑफ दे फील लॉट दे फील हंग्री अ लॉट तो वो अपना क्या डिमांड करता है अपना डिनर तो यस yes, वो एक डिनर अपने डिनर के लिए कि मम्मा प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट या फूड मुझे खाने के लिए दो ऑप्शन नंबर डी अ मोबाइल फोन क्या वो एक मोबाइल फोन की डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से नहीं वो क्या डिमांड करता है अपना रात का खाना यानी डिनर दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ मच टाइम डज द मदर आस्क हर सन टू वेट फॉर डिनर अब जैसे ये बच्चा आता है एकदम खेलते हुए भगते दौड़ते कि मम्मा मुझे डिनर 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 खाना है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए अभी दो राइट right नाउ तो इसकी मदर क्या बोलती है इससे कितनी देर के लिए, रुकने के लिए लिए रुकने बोलती है कि वेट इतनी देर रुको तो कितनी देर रुकने के लिए माँ अपने बेटे से बोलती है और क्यों रुकने के लिए बोलती है क्योंकि ऑलरेडी वो टूटी हुई विंडो पेन पे डिस्कशन कर रही होती है अपने हस्बैंड्स और बीच में बच्चे आके खुद ही मारता है और ये सब कि मुझे अभी खा ये खाना है, मुझे अभी खाना दे तो ये सब बोलना स्टार्ट करता है तो मदर कितनी देर वेट करने के लिए बोलती है अपने बेटे को कितनी देर वेट करो फिर मैं डिनर देती हूँ so, क्या दस मिनट रुकने के लिए बोलती है नहीं बी ट्वेंटी मिनट्स क्या बीस मिनट रुकने के लिए बोलती है तो बीस मिनट भी नहीं भाई इतनी देर में तो इंसान की भूख ही मर जाए सी थर्टी मिनट्स बापरे थर्टी तो क्या खाना बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा क्या उसको थर्टी मिनट्स भी नहीं ये ऑप्शन नंबर डी फाइव मिनट्स तो yes, वो अपने बच्चे को बोलती है वेट फॉर मिनट्स मिनट रुक जाओ मैं तुम्हें तो खाना देती हूँ बट द चाइल्ड वॉज रियली हंग्री वो बहुत भूखा था एंड वो कंटिन्यूसली आर्ग्यू uh, करते है अपने मदर से कि नहीं आई वॉन्ट फूड राइट नाउ मुझे अभी भूख लगी तो आप मुझे अभी खाना दो विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी फाइव मिनट्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वेन द फैमिली वॉज सिटिंग इन द लॉन हु वॉज़ द फर्स्ट टू ब्रेक द साइलेंस जैसे फैमिली यानी जो हस्बैंड वाइफ है अपने शाम के वक्त अपने घर के लॉन यानि अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे इन्जॉय कर रहे थे वेदर को और मौसम को हु वॉज़ द फर्स्ट टू ब्रेक द साइलेंस कौन सा ऐसा इंसान था या तो मदर थी कि फादर थी कौन सा फादर था कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने चुप्पी तोड़ी यानी साइलेंस तोड़ा यानी उसने बात करना कॉन्वर्जेसन या बातचीत स्टार्ट करी तो ऑप्शन हैं ए फादर क्या फादर वो इंसान था नहीं भाई फादर को तो वैसे ही कम बात करना पसंद है वो तो शाम को ठंडा मौसम इन्जॉय करने के लिए और इवनिंग एन्जॉय करने के लिए लॉन में बैठे थे तो फादर बातूने नहीं है टॉकेटिव नहीं है बी मदर येस क्योंकि हिंदुस्तानी बीवी है हिंदुस्तानी औरत है बातूनी है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है इसी ने सबसे पहले साइलेंस तोड़ा और टूटी हुई विंडो पेन के बारे में कमेंट करना और उसकी इशू निकालना उसने स्टार्ट किया सी सन सन तो ऑलरेडी खेल रहा है और वो बाद में सिर्फ डिनर का डिमांड करने आता है उसने चुप्पी नहीं थोड़ी वो तो ऑलरेडी खेल ही रहा है तो सन भी नहीं नेबर कोई पड़ोसी आया उन्होंने बातचीत स्टार्ट करी तो ऐसे किसी कैरेक्टर के बारे में पूरी पोम में कहीं भी कुछ मैंशन नहीं है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी मदर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट आर द व्यूज ऑफ द हजबेंड अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट्स विथ हिज वाइफ अब टिपिकल हिंदुस्तानी पति की तरह है यहाँ इस पोम में बताए गए हस्बैंड भी इनके क्या विचार हैं इनके क्या व्यूज़ हैं यानी हस्बैंड के हस्बैंड के क्या व्यूज़ हैं क्या विचार हैं किस चीज़ को लेके डिस्प्यूट्स विथ हिज़ वाइफ डिस्प्यूट्स यानी बहसबाजी अपनी बीवी से कि इन इस हस्बैंड के क्या विचार हैं कि जब भी आपकी बीवी से आपकी बहस हो डिस्प्यूट हो लड़ाई हो या डिस्कशन हो तो क्या करना चाहिए एक अच्छे पति की तरह तो इन इस हस्बैंड की क्या व्यूज़ हैं वो पढ़ते हैं ऑप्शन देखते हैं ए वाइफ इज ऑलवेज राइट एज पर इनके हिसाब से क्या इनके ये व्यूज़ हैं कि भाई बीवी तो हमेशा सही होती है भैया जब बोले चुप रहो सुन लो आपकी आपका जीवन सुखा सुकून भरा सुखी जीवन गुजरेगा तो यस अगर आप पोम में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि वाइफ इज़ ऑलवेज राइट उनसे कभी बहस मत करो वो जो बोल रही है बस हाँ 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 करते रहो भले बाद में अपनी चला लो बट अभी तो हाँ कर दो नहीं तो आपकी लड़ाई बढ़ जाएगी और ऑप्शन देखते हैं वाइफ इज़ ऑलवेज़ रॉन्ग अरे भैया घर में रहना है कि नहीं वाइफ को रॉन्ग बोल रहे हो ये ऑप्शन रॉन्ग है भाई वाइफ को पढ़ना भी नहीं चाहिए कि वो रॉन्ग बोल रही है ऐसे बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी Wife should always apologize. Apologize याने माफी मांगना कि बीवी को हमेशा अपोलोजाइज करनी चाहिए याने माफी मांगना चाहिए बीवी है हिंदुस्तानी औरत है भाई साहब आपको घुटनों पर टेक आ देगी अपने सामने वो माफी नहीं मांगेगी सॉरी तो आपको ही बोलना पड़ेगा तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ ने ऊपर दिया गया कोई भी ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि में जिस तरीके से दिया गया है कि वाइफ इज ऑलवेज राइट और यही व्यूज थे हस्बैंड के तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट वॉज द वन अनस्पोकन थॉट दैट क्रॉस्ड द माइंड ऑफ द पेरेंट्स अब अनस्पोकन थॉट थॉट यानी कोई विचार और अनस्पोकन यानी बोला नहीं गया तो क्या होता है जैसे जो पोम में बताया गया कि जो वाइफ़ और हस्बैंड है कितने सालों की इनकी मैरिड लाइफ है और जब आप एक इंसान के साथ एक पार्टनर के साथ कितने टाइम तक रहने लगते हो तो आपकी उनसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग या ट्यूनिंग बन जाती है कि सडनली अगर कुछ इंसिडेंट होता है और आपके दिमाग में जो विचार आया वो हो सकता है उसी वक्त उनके दिमाग में भी वो सेम विचार आया हो और बिना बोले आप लोग बस एक दूसरे को देखते हो और बिना बोले वो थॉट्स जो है आंखों आंखों में एक्सचेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर भी इस पोम में ऐसा कुछ हुआ कि जैसे ही बच्चा आता है खेल के और जिद करता है जोर से चीखता चिल्लाता है बोलता है कि आई वॉन्ट माई डिनर नाउ तो उसी वक्त मदर के माइंड में एक थाट आया कि चिल्ड्रेन मस्ट भी डिसिप्लेंड बच्चों को डिसिप्लिन रहना अनुशासित रहना बहुत जरूरी है कि खाना चाहिए ठीक है अच्छे से बोल सकते हैं चीखने चिल्लाने की और लाउडली बोलने की जरूरत नहीं थी बच्चे को तो यही सेम थाट फादर के माइंड में भी आया जब बच्चे ने बिहेवियर किया तो उन दोनों ने बच्चे के सामने ये चीज़ बोली नहीं कि देखो देखो चिल्ड्रेन मस्ट बी डिसिप्लिन क्योंकि उनका रेपॉट उनकी आपस में ट्यूनिंग इतने सालों से इतनी अच्छी कि उन्होंने बिना बोले इस थॉट इस अनस्पोकन थॉट को एक्सचेंज कर दिया यानी दोनों बिना बोले समझ गए कि ये तुम भी सोच रहे हो और ये चीज मैं भी सोच रही हूँ ठीक है तो ये अनस्पोकन थाट जो बिना बोले दोनों हस्बैंड वाइफ में एक्सचेंज हुआ वो क्या था ऑप्शन देखते हैं चिल्ड्रेन मस्ट बी पनिश्ड बच्चों को पनिशमेंट लेना बहुत ज़रूरी है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा दोनों ने बिल्कुल नहीं सोचा क्योंकि बच्चा क्या कर रहा था खाना ही मांग रहा था ना ऐसा कोई गलती तो नहीं कर दी थी उसने चिल्ड्रेन मस्ट बी ऑनेस्ट बच्चों को ऑनेस्ट यानी सच बोलना चाहिए अब उस बच्चे ने वहाँ पे झूठ थोड़ी बोला झूठ थोड़ी बोला उसने तो सिर्फ खाना मांगा तो ऑनेस्टी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं थी चिल्ड्रेन मस्ट बी डिसिप्लिन यस ये एक थाट था जो उन दोनों के माइंड में पेरेंट्स के माइंड में आया कि बच्चे डिसिप्लिन रहे मैनर्स से हर चीज बोलने तो यस ये एक थॉट हुआ था ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन तो सारे ऑप्शन हो नहीं सकते क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट वट वॉज द एज ऑफ द सन अब जो बेटा बताया गया है मदर और फादर का इस पोम में उसकी एज यानी उसकी उम्र कितनी है तो ऑप्शन है ए सेवन ईयर्स सात साल बी फाइव ईयर्स सी टेन ईयर्स या डी ट्वेल्व ईयर्स तो क्लियरली अगर आपने पोम पढ़ी है और मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखे हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि बच्चे की उम्र पोम में सेवन यानी सात साल बताई गई है विच राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट आफ्टर हियरिंग हिस्स डिमांड द फादर कंसिडर्स हिस्सन डैश अब जैसे पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं और बेटा आता है और डिमांड करता है कि आई वॉन्ट फूड नाउ मुझे खाना अभी चाहिए मदर ने बोला वेट फॉर फाइव मिनट्स पाँच मिनट वेट करो मैं देती हूँ लेकिन बच्चे ने क्या बोला नो आई एम हंग्री नाउ आई वॉन्ट फूड नाउ यानी मुझे भूख अभी लगी है तो खाना मुझे अभी चाहिए आप मुझे खाना पाँच मिनट बाद दोगी बट डाट डज इन मीन कि पाँच मिनट बाद मुझे भूख लग रही हो।, हो सकता है पाँच मिनट बाद मेरी भूख मर जाए मुझे भूख ही ना लगे तो ये बच्चे की बात सुन के फादर जो थे वो अपने बेटे को क्या कंसिडर करते हैं कि मेरा बेटा क्या है तो ऑप्शन है ए नटोरियस चाइल्ड क्या वो ये बात सुन के अपने बच्चे की ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत नटोरियस है मस्ती खो रहा है नोटी है नहीं क्योंकि वो बच्चा खाना मांग रहा है मस्ती करके परेशान नहीं कर रहा पेरेंट्स को बी लॉजिशियन लॉजिशियन हम उस इंसान को बोलते हैं जो लॉजिक से सोचता है यानी जो भी पॉइंट वो अपना आपके सामने रख रहा है उसके साथ एक वैलिड रीजन भी दे रहा है जैसे बच्चे ने अपना पॉइंट रखा कि मुझे भूख लगी है माँ ने बोला मिनट बाद दूंगी खाना तो बच्चे ने रीजन दिया कि नो आई एम हंग्री नाव आई वॉन्ट फूड नाउ मैं भूखा अभी हूँ खाना भी मुझे अभी चाहिए पांच मिनट बाद मेरी भूख मर जाएगी मुझे खाने की जरूरत ही नहीं होगी तो ये लॉजिक वाली बात है ना यानी उसने सोच समझ के तर्क देके रीजन देके अपने पॉइंट को प्रूफ किया तो जैसे ही बच्चे की ये बात फादर ने सुनी तो फादर को लगा कि मेरा बेटा तो लॉजिशियन है यानी लॉजिक वाली बात कर रहा है उसके पास सॉलिड रीजन है तो इस बच्चे को खाना दे देना चाहिए अभी के अभी तो यस वो अपने बेटे को लॉजिशियन कंसिडर करता है और ऐसा आपकी पोम की लाइन्स में इस वर्ड का मैंशन भी किया गया है आगे देखते हैं फिलोजॉफर फिलोजॉफर वो लोग होते हैं जो जिनकी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं जो डीप थिंकिंग करते हैं जो बड़ी बड़ी गहरी सोच की किताबें लिखते हैं ये सिर्फ एक सात साल का बच्चा है फिलोसोफर कहाँ से होगा भाई सिंपल भूख लगी उसको अभी खाना चाहिए तो उसमें कोई डीप थिंकिंग और आइडियोलॉजीज की कोई बात है भी नहीं और ऐसा कोई पोम में बात करी भी नहीं गई ऑप्शन डी स्ट्यूपर्ड चाइल्ड बेवकूफ़ बच्चा फादर ने अपने बच्चे को बिल्कुल भी स्ट्यूपर्ड या बेवकूफ़ चाइल्ड नहीं समझा बल्कि वो तो अपने बच्चे को बहुत समझदार लॉजिशियन मान रहे हैं कि मेरा बच्चा कितना समझदार है अपने पॉइंट को रीजंस के साथ रख रहा है यानी कि उसमें मेचोरिटी आ रही है और चीज़ों को बढ़ती उम्र के साथ समझ भी रहा है वो तो विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी logician is the right option to this question. Next, what happens at the end of the poem? अब आखिर में poem में क्या होता है जब end होती है poem तो आखिर क्या होता है भाई बच्चा कह रहा है मुझे खाना अभी दो माँ बोल रही है पांच मिनट बाद बच्चा बोलते है, नहीं मुझे खाना अभी दो तो माँ कहती है लास्ट में जो मदर होती है वो कहती है वो स्माइल करती है ओके वेट, वेट वेट मैं तुम्हें देती हूँ और फिर मदर जो है फादर और सन बाप बेटे दोनों को प्यार से घर में ले जाती है और उनको डिनर सर्व करती है और पूरी फैमिली साथ बैठ के डिनर खाते हैं और अपना फैमिली टाइम इंजॉय करते हैं ठीक अब ऑप्शन देखते हैं कि एंड में क्या हुआ वाइफ टेक्स एवरी वन फॉर द डिनर जो वाइफ है वो एवरी वन यानि फादर और सन सबको घर में डिनर के लिए ले जाती है यस yes, वो ले जाती है और प्यार से खाना खिलाती है आगे ऑप्शन देखते हैं वाइफ टेक्स एवरी वन फॉर द लंच दिन के खाने के लिए सबको ले जाती है नहीं लंच की बात नहीं हो रही या डिनर की बात हो रही क्योंकि वो लोग इवनिंग में शाम का समय एंजॉय कर रहे हैं तो शाम के बाद डिनर ही आता है और पोम में क्लियरली मैंशनड है कि बच्चा अपना डिनर मांग रहा है लंच तो दिन का खाना होता है तो ये ऑप्शन रॉन्ग है कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है हस्बैंड टेक्स एवरी वन फॉर द डिनर फादर सबको डिनर के लिए ले जाते हैं नहीं यहाँ पे मदर ले जाती है और प्यार से सबको खाना बना के खिलाती है वाइफ डिज अक्रीज टू गिव फूड टू द सन आखिरी में ये होता है कि वाइफ जो है मदर जो है मानती ही नहीं है और अपने बेटे को खाना बिल्कुल नहीं देती तो कोई भी मदर इस दुनिया में ऐसी हो ही नहीं सकती नींद में से भी उठ के अपने बच्चों को खाना रात के चार बजे भी बना के वो दे सकती हैं तो वाइफ प्यार से अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को डिनर खिलाने घर में अंदर ले गई और सब ने अपना फैमिली टाइम इंजॉय किया विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सो चिल्ड्रेन वी कम टू दी एंड ऑफ दिस सेशन आई होप आपको सारे एम सी क्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ मैग्नेट ब्रीन्स डॉट कॉम जैसे हम वेबसाइट पर जाएंगे इस तरीके का पेज आएगा फॉर एग्जाम्पल क्लास एलेवेंथ के वीडियोज़ देखने तो इस ऑप्शन पर क्लिक करिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश वोवन वर्ड्स का ऑप्शन देखना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करिए जब आप क्लिक करेंगे तो मेरी वोवेन वर्ड्स बुक के सारे वीडियो लेक्चर्स की जो लिस्ट है वो इस तरीके से सा आपके सामने आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर वन माई वॉच के आपको वीडियोज़ दिखने तो इस पर क्लिक करिए जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा एंड डू नॉट फोगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आर यूट्यूब चैनल क्योंकि मैग्नेट ब्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहे हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर